फिर से आप सब लोगों का मेरे चैनल में स्वागत है। तो आज मैं दिखाऊंगा कि ये देखिए आप मेरे हाथ में ये है सैमसंग का M12 फोन। तो इसमें मैं दिखाऊंगा कि एंड्रॉयड 13 का जो अपडेट आया है वो आपके सामने एकदम लाइव में अपडेट करूंगा, इवन दिखाऊंगा कि आपका क्या क्या न्यू फीचर है। तो अभी आप लोग देख सकते हैं कि मैं आपको सेटिंग्स खोल के दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप लोग सेटिंग्स में खोल देता हूँ, यहाँ पर आप नीचे जब जाएंगे अबाउट फोन में, अबाउट फोन के बाद आपको सबसे मैं जाऊँगा तो यहाँ पर आप लोग देखिए, आपको पास में दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि एंड्रॉयड का 12 का वर्जन है और 4.1 है। तो अभी का जो अपडेट आया है उसमें UI कॉल वर्जन 5.0 होगा एंड एंड्रॉयड 13 होगा। तो ये लास्ट का जो ये अपडेट हुआ था 1 नवंबर को हुआ था, इसके बाद अभी अपडेट दिया है। तो आपको एक बार दिखा देता हूँ, इसके बाद बैक करूँगा, बैक करके जाऊँगा सॉफ्टवेयर अपडेट में। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर सॉफ्टवेयर अपडेट है। तो यहाँ पर सॉफ्टवेयर अपडेट में मैं जाऊँगा, क्लिक कर लेते हैं सॉफ्टवेयर अपडेट को। यहाँ पर आप लोग देख पा रहे कि नहीं पा रहे मुझ पता नहीं। यहाँ पर आप लोग देख सकते कि 1 सितंबर को ये लास्ट अपडेट आया था। तो उसके बाद मैं सर्च करूँगा, चेकिंग फॉर अपडेट्स हो रहा है, अभी चेक कर रहा है कि कोई न्यू अपडेट है कि नहीं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर देखिए कि न्यू अपडेट आ गया है। ये देखिए 1 UI Core 5 Upgrade Android 13 यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है 13 का ये अपडेट आया हुआ है। यहाँ पर देखिए न्यू क्या दिया है, यहाँ पर बहुत सारा न्यू फीचर दिया है। ये देखिए पूरा एक लिस्ट है, ये सब आपको देखिए कि 5-6 पर एक लिस्ट आया है। यहाँ पर इतना सारा चेंजेस किया गया है एंड्रॉयड 13 में। तो यहाँ पर आप लोगों को दिखा देता हूँ, ये है 1711.79 MB, मतलब करीब करीब 2 GB का ये अपडेट है। और लास्ट बार जो सिक्योरिटी पैच था वो 1 नवंबर का। तो इसमें बहुत सारा समय में आपको बता देता हूँ। यहाँ पर सैमसंग का नोट्स एड ऑन ऐड किया गया है, और कैलकुलेटर वॉइस ओवर इनहेंस किया गया है। और यहाँ पर जो है आपको एक बार दिखा देता हूँ, यहाँ पर तब तक मैं डाउनलोड में डाल दिया हूँ, तो डाउनलोड होने में 6 मिनट लगेगा। तो डाउनलोड हो जाए उसके बाद आप लोगों को बताऊँगा कि कैसा कैसा न्यू फीचर है, कैसा कुछ अलग कुछ दिया गया है यहाँ पर। तो यहाँ पर मोड्स एंड रूटीन्स, होम स्क्रीन, ओएगेस, मल्टीटास्किंग, कनेक्टिविटी, डिवाइस, कैमरा गैलरी, यहाँ पर बहुत सारे चेंजेस किया गया है। तो एक बार डाउनलोड हो जाए, नोटिफिकेशन, सेटिंग्स, एक्सेसिबिलिटी, एडिशनल चेंजेस भी किया गया है यहाँ पर। तो यहाँ पर बहुत सारे चेंजेस किया गया है, तो आपको एक बार डाउनलोड हो जाए। यहाँ पर टाइम कितना दिखा रहा है, आई थिंक 6 मिनट के करीब, 6 मिनट टाइम दिखा रहा है, 6 मिनट डाउनलोड हो जाए, उसके बाद आपको लाइव आपके सामने ये मैं अपडेट करके दिखाऊंगा। तो सभी लोग देख सकते हैं अभी यहाँ पर सिर्फ 18 सेकंड बाकी है, तो ये डाउनलोड हो जाएगा पूरा। ये जो पूरा 2 GB का एक फाइल है ये डाउनलोड हो जाएगा। तो ये डाउनलोड कर लेते हैं, और 14 सेकंड बचा हुआ है। तो यहाँ पर बाकी सब ठीक ठाक है, यहाँ पर आपके सामने में ये पूरा एकदम अपडेट करेंगे एकदम लाइव। तो आप लोग देखते रहिए मेरे चैनल को। तो तब तक ये 5 सेकंड और है और 0 सेकंड हो गया है। ये आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर 0 सेकंड हो गया है, मतलब डाउनलोड हो गया है। तो अभी यहाँ पर अपडेट का, यहाँ पर जो पॉज लिखा हुआ है, यहाँ पर अपडेट का एक साइन देगा। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि अभी यहाँ पर लिखा हुआ है कि शेड्यूल इंस्टॉल, मतलब आप कभी भी शेड्यूल कर सकते हैं रात में, सुबह में। यहाँ पर आपको शेड्यूल इंस्टॉल करने के बाद आपको टाइम देना होता है, टाइम देने के बाद ये आपका शेड्यूल इंस्टॉल हो जाता है। और इंस्टॉल नाउ मतलब आपको अभी करना होगा। तो यहाँ पर इंस्टॉल करते हैं, यहाँ पर मैंने इंस्टॉल नाउ को क्लिक कर दिया है। इसके बाद आप लोग देख सकते हैं कि अपडेट ले रहा है, ये इसके बाद स्विच अप हो जाएगा। यहाँ पर देखिए प्रीवियस जो अपडेट लिखा हुआ है 20% है, ये प्रोसेस कर रहा है। जो अपडेट पैकेज है जो डाउनलोड किया है 2 GB का, ये प्रोसेस कर रहा है अभी के लिए। तो आपको दिखाऊंगा कि ये 2 GB का पूरा फाइल जो है, ये फोन तो ऐसा भी लैग करता है, तो इसलिए ये 2 GB का पूरा फाइल जो है वो कितने टाइम में आपको एनहेंस करके उसके बाद एंड्रॉयड 13 करके आपको देता है। तो ये देखिए ऑफ हो गया है, ऑफ नहीं हुआ है, ऑफ होने वाला है, ये देखिए ऑफ हो गया है। उसके बाद सैमसंग यहाँ पर लिखा हुआ है, तो ये फोन को अभी के लिए आप ये अपडेट होने दीजिए इस फोन को। तो तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ये वीडियो को अच्छे लगे तो ये वीडियो आपके दोस्तों के साथ, आपके फैमिली के साथ, जिनके भी M12 फ़ोन है या फिर सैमसंग का जो फ़ोन है जिसका अपडेट है 5.0, कैसे अपडेट करना होगा ये सब बताने के लिए ये वीडियो आप ज़रूर शेयर कीजिए। और तब तक के लिए अपडेट होने दीजिए इसको। जब तक ये अपडेट होता है इसका मुंडी थोड़ा हिला देता हूँ। एंड्रॉयड 13 देखते हैं और कितना लेट होता है।
लीजिए देखिए हमारा फ़ोन खुल गया है अभी, ऑलमोस्ट 4%। मैंने ये फ़ोन को 100% जब ये डाउनलोड हो रहा था उसके आगे इसका 100% बैटरी था, अभी जो है वो 96 है, मतलब 4% ऑलमोस्ट 4% ये बैटरी को कंज्यूम किया है ये पूरा अपडेट प्रोसेस में। तो अब मैं आपको दिखाऊंगा ये जो ऊपर वाला जो नोटिफिकेशन बात है, ये देखिए ये थोड़ा छोटा हो गया है, तो देख सकते हैं यहाँ पर हैंग कर रहा है थोड़ा अभी अपडेट कर, यहाँ पर देखिए ऊपर में जो नोटिफिकेशन बार है ये थोड़ा छोटा हो गया है, थोड़ा थोड़ा ये इसका जो ये आइकॉन वाला था जो वाईफाई साउंड ब्लूटूथ ये सब का जो आइकॉन था ये थोड़ा छोटा हो गया है। आपको सेटिंग्स में जाके आपको अबाउट फोन में जाके आपको ये वाला जो परसेंट ऑफ है इन्फॉर्मेशन दिखा देता है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर देखिए यहाँ पर 5.0 है और एंड्रॉइड वर्जन 13 हो गया है। आपको खोल के भी चेक कर देता हूँ, यहाँ पर देख सकते हैं ये एंड्रॉइड 13 वर्जन हो गया है और यहाँ पर बेसमैन और कैनल वर्जन को थोड़ा अपडेट कर देता हूँ। तो आपको दिखा दिया कैसे आप लोग एंड्रॉइड 13 में अपडेट करेंगे आपका सैमसंग M12 का फ़ोन को। एंड इसके बाद जो फीचर का मैं एक अलग वीडियो निकालूंगा इस क्या क्या न्यू फीचर दिया है उसके लिए। और इसके अलावा आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो आप लोग सब्सक्राइब कीजिए और ये जो वीडियो है ये आपको अच्छे लगे तो ये वीडियो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कॉमेंट कीजिए। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।